तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर आ चुके हैं एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा GFMS पोर्टल की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अतिथि शिक्षा पोर्टल की ओर से दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है अपडेट मिलेगा दोस्तों। यहां पर भर्ती से संबंधित, रिक्तियों से संबंधित और आपके फॉर्म जो आदेश हो चुके हैं उनसे संबंधित, तो सभी चीजें बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आपको GFMS पोर्टल पर आना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। जरा से आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कल की डेट का ही अपडेट मिलेगा, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था या भर्ती करने हेतु बाबत, इसको हम करेंगे क्लिक। क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो चलिए दोस्तों इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। 13/7/2022 कल की डेट का ही अपडेटेड है, जिसमें दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो संदर्भ हैं, जो आपके पत्र क्रमांक हैं, वो दिए गए हैं। राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध SMC और SMDC द्वारा तैयार पैनल के से अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्न अनुसार कार्यवाही करना है, तो रिक्तियों का अपडेशन करना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बहुत जल्दी आपकी जो पोर्टल पे ये जो लिस्ट है, पुरानी वाली लिस्ट है, ये न्यू लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप विषयवार, रिक्तवार सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिलेवार भी दोस्तों यहाँ पर आप भर्तियाँ देख सकते हैं, ब्लॉकवार भी आप यहाँ पर अपनी नज़दीकी जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उसमें आप अपने यहाँ की जिले की भर्तियों की प्रक्रिया देख सकते हैं, सीटों का यहाँ पर विवरण देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिलेवार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लॉकवार भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुल कार्यरत और कुल रिक्त पद इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लॉक वाइज, जिले वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 आपको सभी प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, नियमित शिक्षकों के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त के कारण आपको अपडेट दिया जाएगा। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण आपको यहां पर अपडेट दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक की भर्तियां यहां पर होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालय की रिक्त को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा, तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्त अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त दर्ज होने की प्रक्रिया है। एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त या स्वीकृत वृद्ध कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या को घटाने की सीमा के अंदर ही आपको यहां पर शिक्षक रिक्त दर्ज की जा सकेगी। नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश के लिए, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्त दर्ज करने की प्रक्रिया भी, शॉर्ट टाइम वैकेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियमित शिक्षक के अवकाश के, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण भी आपको यहाँ पर लिया जाएगा और वापस आने पर तिथि तक अंकित होगी उन अतिथि शिक्षकों की भर्ती। अपग्रेड में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए कि रिक्त वाले पद एक विषय पैनल उपलब्ध कराया है अथवा नहीं कराया है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरा से आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिक्तियों का अपडेशन है, 2 दिन के अंदर दोस्तों यहाँ पर अपडेट करना है। 15/7/2022 से प्रारंभ हो जाएगा रिक्तियों का अपडेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण या फिर आमंत्रण जिन विद्यालय पैनल उपलब्ध है या रिक्त पद है, वो आपको SMC और SMDC की बैठक रिक्त होने की स्थिति में आपको 20/7 तक यहां पर फुल फाइनली अपडेट हो जाएगा। निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आमंत्रित करने के रहेगा 21/7/2022 और अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालय पैनल उपलब्ध नहीं है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षा पोर्टल की पोर्टल पर रिक्तियाँ प्रदर्शित करना पड़ेंगी 20/7/2022 से, और विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो उनके लिए दोस्तों 21-23 तारीख तक आप यहां पर जमा कर सकते हैं आप अपना फॉर्म। SMDC की बैठक में दोस्तों यहां 25/7/2022 रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अतिथि शिक्षक आमंत्रण पर विद्यालय में ज्वाइनिंग 26/7/2022 तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। यही प्रक्रिया आपकी CM राइज के साथ भी रहेगी। सिमराज में विद्यालय शिक्षकों के उपलब्ध पदों हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
विद्यालय में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य अकादमिक पदों के हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक के GMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय में पैनल में स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GMS पोर्टल के आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख से संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। उक्त निर्देशों का अनुसार आपको सुनिश्चित करना है। ये दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा का पूरा। बहुत जल्दी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली बैक टू बैक इसको चेक करते रहें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको जैसे ही यहाँ पर और भी जो नया अपडेट आएगा, जो भी नई जानकारी आएगी, हम आपको यहाँ पर इससे संबंधित सारी की सारी जानकारी एकदम क्लियरली आपको चेकआउट करके बताएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।